तो आज का चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम के ऊपर। ये नेशनल इनकम का मतलब हिंदी में होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का चैप्टर है हमारा। ये यूनिट जो है वो 10 मार्क्स का है। इसमें हम पहले न्यूमेरिकल इस वाली वीडियो में न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले टर्म्स समझ लेते हैं। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रोस। ठीक, ग्रोस का हिंदी में मतलब क्या होता है? सकल। ठीक, उसके बाद एन का मतलब होता है नेट। नेट का मतलब हिंदी में होता है शुद्ध। ठीक, फिर होता है डी। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का हिंदी में मतलब होता है घरेलू। उसके बाद होता है एन। एन का मतलब होता है नेशनल। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। ठीक, राष्ट्रीय। फिर होता है एमपी। ये टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं बाजार कीमत। इसके बाद है एफसी। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हिंदी में इसका मतलब होता है साधन लागत या कारक लागत भी कह सकते हो आप। ठीक है जी, अब एक चीज़ समझ लो। यहाँ पर आपने यहाँ पर देख लिया ग्रोस। जी का मतलब ग्रोस, ग्रोस मतलब सकल। एन का मतलब नेट, नेट मतलब शुद्ध। डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। एन मतलब नेशनल और राष्ट्रीय। देखो एन का मतलब भी नेट इधर और इधर एन का मतलब नेशनल। तो देखो करना क्या है, जब एन पहले स्थान पर आए तो उसे बोलेंगे नेट, जब दूसरी स्थान पर आए तो बोलेंगे नेशनल। ठीक, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस और एफसी मतलब तो पता ही है। ठीक, इसके बाद पी। पी का मतलब है प्रोडक्ट और हिंदी में उत्पाद या फिर आय या इनकम भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं कैसे इसे रीड करना। अब देखो मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है जी डी पी एमपी। अब इसे आप क्या रीड करोगे? जी मतलब ग्रोस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर ये लिखे इसे तो ग्रोस, डोमेस्टिक और प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। ठीक, और अगर लिखा हुआ ये एन डी पी एम पी तो क्या रीड करेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लिख दें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर लिखा हुआ है ये एन डी पी एफ सी तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से इसे रीड करते हैं। मान लो लिखा हुआ है ये जी डी पी एफ सी तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो यहाँ समझो। अब मान लो अगर लिखा हुआ है एन डी पी एम पी तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर लिखा हुआ है जी एन पी एम पी तो देखो इसे पढ़ा जाएगा ग्रोस नेशनल, क्योंकि ये दूसरे स्थान पर आया है। क्योंकि यहाँ पर ये जो एन आया है वो कौन से स्थान पर आया? दूसरे पर। तो इसे पढ़ा जाएगा नेशनल, और ये पहले पर आया था तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? नेट। तो ये पढ़ा जाएगा ये वाला ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, अगर लिखा हुआ ये हो, ये लिखा हो तो नेट एन एन पी एम पी तो ये क्या पढ़ा जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर ये लिखा हो एन एन पी एफ सी तो ये पढ़ा जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर लिखा हो ये जी एन पी एफ सी तो ये पढ़ा जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्लियर हो गया ये सारी बातें। अब आगे देखो। अब देखो मुद्दे की बात ये है कि जो जी होता है ग्रोस और एक होता है नेट, तो ग्रोस बड़ा होता है नेट से, और इन दोनों का एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसके एक दो और नाम है, वो और देख लेते हैं। ऑब्सोलेंस बोल देते हैं इसे शॉर्ट में, ऑब्सोलेंसिस जो भी है। और एक और है इसका हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लो कंजम्पशन ऑफ
फिक्स्ड कैपिटल। हिंदी वाले इसे लिखो, डेप्रिसिएशन का मतलब है घिसावट, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का हिंदी में मतलब है स्थिर पूंजी का उपभोग। ठीक है जी, अब इधर देखो, अब यहाँ बात करी थी हमने कि ग्रोस बड़ा है नेट से, इन दोनों का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, अब मुद्दे की बात इधर आ जाओ। अब देखो, अगर यहाँ ग्रोस है और इसके सामने नेट है, अब यहाँ मुझे ग्रोस नेट को ग्रोस के बराबर करना है, तो नेट तो छोटा है, छोटे को बड़े के बराबर करना है तो छोटे को बड़े के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि छोटे को बड़ा करना है तो प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ से डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा। ठीक, अब इधर आ जाओ, अगर यहाँ लिखा हुआ है नेट और यहाँ लिखा हुआ है ग्रोस, अब ये ग्रोस को इसके बराबर करना है, तो ग्रोस तो बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस, क्या बड़े को छोटा करने के लिए माइनस इन दोनों का डिफरेंस। शॉर्ट में हमने डिफरेंस को क्या लिख रखा है, लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा वाला क्या है? हमारा नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल डोमेस्टिक में हमारा नेशनल बड़ा होता है, पता होगा तुम्हें, डोमेस्टिक से ज़्यादा बड़ा नेशनल होता है। ठीक है, अब इनको डिफरेंस क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है NFYA। अब ये NFYA क्या बोला है, तो देखो NFIA के फुल फॉर्म है नेट, N से नेट, F से फैक्टर, और Y से इनकम। हम इनकम को Y से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि I से हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर देते हैं, तो बचता है Y, तो Y मतलब इनकम। अब यहाँ शॉर्ट में फ्रॉम, A मतलब अब्रॉड। अब इधर देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी में विदेशों से प्राप्त से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है जी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब ये शुद्ध साधन आय है, नेट है, ठीक, तो ये ऐड होगा। अब ये क्या है, नेट क्या है, मतलब ये बता रहे हैं हम कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमने विदेशों से शुद्ध में कितनी साधन आय फैक्टर इनकम कमाई, शुद्ध मतलब जो हमने कमाई और जो हमने दी उसका अगर माइनस कर देंगे, मान लो हमने विदेशों से इस साल कमाए 100 रुपये और हमने विदेशों को कमवाए हमारे अपने आप से 80 रुपये, तो टोटल हमने 20 रुपये शुद्ध कमाए, या हमने अगर विदेशों से कमाए 100 रुपये और विदेशों ने हमसे कमा लिए 120 रुपये, हमने विदेशों से कमाए 100 रुपये, विदेशों को हमने कमवा दिए 120 रुपये, तो नेट फैक्टर इनकम हमारे -20 है, मतलब हमने उनको उल्टा ज़्यादा कमवा दिए। या ऐसे केस ले लो, मान लो इसे रफ करके देखो एक बार, हमने विदेशों से कमाए 150 रुपये, विदेशों से फ्रॉम और विदेशों को टू हमने कमवा दिए 120 रुपये, तो नेट कितना हमने कमाया बाहर से, 30 रुपीज़। ये इसका मतलब इम्प्लीकेशन है, अभी से बाद में अभी क्लियरली समझेंगे, अभी फ़िलहाल यही समझ लो। ठीक, अब देखो मुद्दे की बात क्या है, अगर यहाँ लिखा हुआ है नेशनल और यहाँ लिखा हुआ है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक छोटा है कि बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, हमें अभी पता लगा है कि डोमेस्टिक छोटा होता है, और छोटा होता है, छोटे को अगर मुझे क्या करना है, इसके बराबर करना है बड़े के, तो मुझे बड़े को के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे बड़े के बराबर करना है छोटे को, तो छोटे को तो बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करने के लिए प्लस करना पड़ेगा छोटे को, प्लस क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, NFYA है, क्या है इन दोनों का डिफरेंस, NFYA। ठीक है जी, चलो अब यहाँ लिखा हुआ है मान लो डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक को मुझे बराबर करना है, मतलब ये नेशनल है, नेशनल को मुझे बराबर करना है डोमेस्टिक के। अब नेशनल बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए क्या करें, अब बड़ा है ना, तो बड़े को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, माइनस क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, NFYA, तो NFYA को माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक, अब इसके बाद आगे आ जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो हमें पता है मार्केट प्राइस बड़ा होता है फैक्टर कॉस्ट से, ठीक,
और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का? देखो कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो उसकी जो मार्केट के प्राइस होंगे वो ज़्यादा होंगे उसकी फैक्टर कॉस्ट से, जो उसके बनने की लागत है। इनका डिफरेंस क्या होता है? शॉर्ट में होता है NIT। अब NIT क्या है? NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। अब मान लो यहाँ लिखा हुआ है MP और यहाँ लिखा हुआ है FC। अब FC क्या है? छोटा है, छोटा है ये, छोटे को क्या करना है? बड़े के बराबर करना है। तो छोटे को बड़े के बराबर करना है अगर, तो बड़े के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है? NIT। तो NIT को इसमें ऐड कर देंगे तो ये बड़ा होकर बराबर हो जाएगा MP के। अब इधर देखो, अगर हमें FC और MP दे रखा है तो MP बड़ा है, बड़े को छोटे के बराबर करना है, तो बड़े को छोटे के बराबर करने के लिए माइनस इन दोनों का डिफरेंस। ये हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे की चीज़ देखते हैं, नोट देखते हैं। दो नोट है इसमें हमारे पास, नोट वन यह है कि जो हमारा NFYA है, जो कि क्या था? जो कि था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो अगर आपको नेट निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख करते हैं इसको, माइनस कर देंगे क्या? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। देखो मतलब हमने विदेशों से कितना कमाया और विदेशों को हमने कितना दिया, अगर वो माइनस कर दें तो हमारे आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे हिंदी में लिख लेते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या बोलेंगे? विदेशों से प्राप्त साधन आय, ठीक है, और इसे बोलेंगे विदेशों को दी गई साधन आए, ठीक है जी। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट, क्योंकि हमें चाहिए नेट, ठीक है। अब इधर नोट नंबर टू क्या है आपका? वो ये है कि मान लो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको ये इजिकल टू इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करनी पड़ेगी सब्सिडीज, है ना? स्पेलिंग तो समझ आ रही है ना, सब्सिडीज। हिंदी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसे बोलते हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध मतलब एन मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है ना, इसके कैसे निकालते हैं? अगर हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो अप्रत्यक्ष कर में से माइनस कर देंगे आर्थिक सहायता, ठीक है जी। ये क्लियर है सबको? बस इतना ही याद रखना था। अब आगे की बात आ जाती है मेन। अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है GDP MP और बराबर में लिखा हुआ है NDP MP, तो देखो समझने वाली बात क्या है। देखो जी, DD सेम है दोनों साइड पे, P और P सेम है दोनों साइड पर, MP और MP भी सेम है दोनों साइड पर। फर्क क्या है? ये ग्रोस है, ये नेट है। अब ये जो नेट है, ये नेट है, नेट होता है छोटा, छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। प्लस क्या करना पड़ेगा? इनका डिफरेंस, ग्रोस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक। इसी तरह मान लो ऐसे लिखा हुआ है ये जी, ग्रोस डोमेस्टिक, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो अगर हम इसे देखें तो ग्रोस ग्रोस सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस सेम है,
यहाँ डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, ठीक है जी। चलो जी अब इधर देखो, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। नेशनल क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े को छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस क्या? इन दोनों का डिफरेंस क्या था? एन एफ वाई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये इनका डिफरेंस था, तो यही माइनस हो जाएगा। अब आगे की चीज़ मतलब ये हमारा सॉल्व हो गया ये, ठीक। अब नेक्स्ट दे, अब मान लो ये दे रखा है यहाँ पर जी डी पी एम पी, और यहाँ दे रखा है एन एन पी एम पी। अब क्या होगा? तो देखो जी यहाँ पी पी तो सेम ही रहता है हमेशा, ये मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ये भी सेम है, ये अभी सेम है फिलहाल। तो अब करना क्या है? हमने देखा कि भैया ये नेट है, ये नेट है, ये ग्रोस है, तो भैया ये नेट है, ये ग्रोस है, ये नेट छोटा होता है, छोटे को क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे जी? प्लस कर देंगे। प्लस क्या? इन और इसका और इसका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब आगे इधर देखते हैं, ये नेशनल, ये डोमेस्टिक। नेशनल बड़ा होता है कि छोटा? नेशनल बड़ा होता है, और बड़े को छोटा करने के लिए माइनस। माइनस क्या? इन दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या था? एन एफ वाई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इन दोनों का डिफरेंस है ना, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया, ये हमारा सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो इस बार यहाँ दे रखा है आपको एन डी पी एम पी, और यहाँ दे रखा है आपको जी एन पी एफ सी, ठीक है जी। अब यहाँ पर कैसे करें? ये ग्रोस है, ये नेट है। अब जो ग्रोस होता है वो तो बड़ा होता है, अब ग्रोस जो होता है वो बड़ा होता है, तो बड़े को छोटा करने के लिए माइनस। माइनस क्या? इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ छोटा सा लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम है, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ नेशनल, ये डोमेस्टिक, नेशनल जो होता है वो बड़ा होता है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस। तो माइनस क्या? नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या होता है? वो एन एफ वाई है, ठीक है जी। अब यहाँ एफ सी है, ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर को छोटा होता है, छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। प्लस क्या? एफ सी और एम पी का डिफरेंस क्या होता है जी? एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? सॉल्व हो गई, मतलब ये जो हमारा ये सॉल्व हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला बनाने आ गए, आपको ये फॉर्मूले बनाने आ गए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, जैसे मान लो ये है, यहाँ है जी डी पी एम पी एन डी पी एफ सी, इसमें क्या होगा करो, फिर दूसरा लिखो एन एन पी एफ सी जी एन पी एम पी, इसके बाद दूसरा है यहाँ एन डी पी एम पी जी एन पी एफ सी, इनमें क्या होगा? जी एन पी एफ सी इजिकल टू एन डी पी एम पी, यहाँ एन एन पी एफ सी जी एन पी एम पी जी एन पी एम पी जी एन पी एफ सी, नेक्स्ट एन एन पी एफ सी इजिकल टू जी डी पी एम पी, नेक्स्ट है जी डी पी एफ सी इजिकल टू एन एन पी एम पी। अब देखो होना क्या है इनमें, ये लिख लेते हैं। तो इस वाले में तो क्या होगा, इस वाले में इसमें डेप्रिसिएशन और एन आई टी ऐड हो जाएंगे, देख लो आप कैसे होंगे, क्योंकि नेट छोटा है छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस, एफ सी छोटा है छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस एन आई टी, ठीक। इसके बाद देखो इस वाले और इस वाले में क्या होगा, तो यहाँ पर तो देखो ये ग्रोस है, ग्रोस को मान बड़ाई को छोटा करने के लिए माइनस डेप, और ये एम पी है बड़े को छोटा करने के लिए माइनस एन आई टी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला करते हैं, इसमें क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ये माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एन एफ आई है प्लस एन आई टी, क्योंकि ग्रोस बड़ा है बड़े को छोटा करने के लिए माइनस डेप, नेशनल बड़ा है बड़े को छोटा करने के लिए माइनस एन एफ आई है, एफ सी छोटा है छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस एन आई टी, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये है, इसको क्या करेंगे? इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर है प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एन एफ आई है माइनस एन आई टी, क्यों? क्योंकि नेट छोटा है छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस एन डेप, और डोमेस्टिक छोटा है छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस एन एफ आई है, एम पी बड़ा है बड़े को छोटा करने के लिए माइनस एन आई टी,
ठीक है, ऐसे ही बोलकर करना है आपको, बड़ा छोटा छोटा बड़ा, क्योंकि आप फिर वरना गलती करोगे। नेक्स्ट है ये वाला, इसका क्या आंसर निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा माइनस डेप माइनस एन आई टी, क्योंकि ग्रोस बड़ा है बड़े को छोटा करने के लिए माइनस डेप, नेशनल बड़ा मार्केट बड़ा है बड़े को छोटा करने के लिए माइनस एन आई टी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये वाला है, इसका क्या आंसर निकल के आता है देखते हैं। इसका आंसर निकलेगा प्लस एन आई टी, क्योंकि एफ सी ही डिफरेंस है यहाँ पर एम पी और एफ सी का, एफ सी छोटा है छोटे का बड़ा करने के लिए प्लस एन आई टी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर निकल कर आता है। देखो इसके बाद है आंसर आएगा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे प्लस एन एफ आई माइनस एन आई टी, क्योंकि ग्रोस बड़ा है बड़े को छोटा करने के लिए माइनस डेप, डोमेस्टिक छोटा है छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस एन एफ आई है, एम पी बड़ा है बड़े को छोटा करने के लिए माइनस एन आई टी। ठीक, इसका आंसर देखते हैं निकाल कर क्या आता है। तो देखो इसका आंसर आ रहा है प्लस डेप प्लस माइनस एन एफ आई है और माइनस एन आई टी। ठीक है, तो आप ये पता लग गया है कैसे निकलता है सब। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें देखेंगे इनकम मेथड, इनकम मेथड में कैसे हम जीडीपी निकालते हैं या इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं, और तीन चीज़ें, और डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब ये हमने बेसिक किया है, और ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आपको ये बेसिक नहीं आएगा तो आगे की वीडियो मतलब आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो फिर आगे के बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।